हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टिंगलू टोंगलू। उम्मीद है कि आपको सिक्किम टूर ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। आज हम जा रहे हैं एक अनोखी जगह पर जिसका नाम है तारेवीर। मगर उसके पहले चलिए आपको फटाफट दिखाते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। सिक्किम टूर ब्लॉग का फर्स्ट एपिसोड में हम देखे थे एस्टाउंडिंग ऋषिकोला। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं ऋषिकोला पे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोई रिसोर्ट ढूंढने के लिए। एक्चुअली हम लोगों का प्री बुकिंग नहीं था। बर्फीला छांगू का सफर था हम लोगों का सेकंड एपिसोड पर। आसपास में पूरा बर्फ गिरा है, देखिए मेरे। और थर्ड एपिसोड पे हम लोग देखे थे ब्यूटीफुल चलामथांग। ये बेहतरीन व्यू देखने के लिए ही हम इतने दूर से चलामथांग आ गए। तो फिर चलिए जाते हैं तारेवीर की तरफ। बट जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। तारेवीर एक्चुअली सिचुएटेड है साउथ सिक्किम के नामची पर, जिसका एग्जैक्ट लोकेशन है अपर सदाम। फ्रॉम शिलीगुड़ी स्टेशन और बागडोगरा एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस है 81 किलोमीटर। बाय कार आपको 3 घंटा लग जाएगा। क्लिफ रिज, ब्रीथ टेकिंग पैनोरमिक व्यू, वंडरफुल वैली एंड माउंटेन व्यू है तारेवीर का मेन अट्रैक्शन। इस वंडरफुल व्यू पॉइंट से आपको तीस्ता एंड रंगीत रिवर का मीटिंग पॉइंट बहुत अच्छी तरह से दिख जाएगा। लेंथ में 10,000 फीट वाला ये माउंटेन क्लिफ से कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट भी नजर आएगा। तो फाइनली वी हैव कम टू तारेवीर। आप लोगों को दिखा रहा है तारेवीर का आसपास का नज़ारा दिखा रहा है। अभी हम लोग तारेवीर में एंट्री नहीं लिए हैं, तो तारेवीर एंट्री करेंगे। तो ये है तारेवीर का बाहर का नज़ारा, हम लोग एंट्री करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं तारेवीर कैसे लगते हैं। तारेवीर में एंट्री लेने के बाद एक ही गाना याद आ रहा था, रोजा फिल्म का वो गाना था, ये हसी वादिया ये खुला आसमां। सी द अमेजिंग व्यू ऑफ तारेवीर। द ब्रिज इज क्वाइट रिफ्रेशिंग। यहाँ का हवा में एक रिफ्रेशिंग लगेगा आपको। एक्चुअली हम लोग शहर से जब भी दूर कहीं पे पहाड़ी पे जाते हैं, तो उसका जो वेदर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो हम सब लोगों को बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए आगे आगे रिवील करते हैं। देखिए ऊपर का नज़ारा देखिए, पूरा सिक्किम का पूरा एक पार्ट दिख रहा है। उधर से आपको तीस्ता भी दिख जाएगा, तीस्ता रंगीत का जंक्शन भी दिखेगा। This is the famous stairs of तारेवीर। आपको कहीं सीढ़ियां पैदल चल के नीचे जाना पड़ेगा। हमको भी पता नहीं है कि आगे हम लोग कितना नीचे तक जा पाएंगे, पर फिर भी चलिए जाते हैं। हमारे कुछ टीम मेंबर्स तो अभी से ही ये सीरिया इतना जाना पड़ेगा देख के बैठ रहा है, क्योंकि वो लोग आगे का सोच रहा है कि इतना नीचे जाएंगे तो ऊपर आएंगे कैसे। सो लेट्स गो। আমরা এত সুখী হয়ে গেছি না, ওই কলা জিনিস
देखिए ये नज़र आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बढ़िया सा व्यू है। ये जो सीधा जो आप दिख रहा है सीढ़ियाँ नीचे चलती गई फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो इस तरह से आपको लास्ट एंड तक अगर आप जाएंगे तो आपका पूरा एंड पॉइंट तक आप पहुंच पाएंगे। बट द कंसर्न थिंग इज दैट कि आप जितना नीचे जाएंगे उतना ही ऊपर आपको आना पड़ेगा। धीरे धीरे हम सब लोग नीचे जाते रहे और पीछे मुड़ के देखते रहे कि कितना ऊपर फिर लौट के जाना है। धीरे धीरे इस व्यू पॉइंट से हम लोगों को कालिम्पोंग भी दिखने लगा। हाँ, वो दूर पे जो पहाड़ी आपको दिख रहा है वही शायद कालिम्पोंग है। देखिए यहाँ पे काफी जोर से ब्रीज चल रहा है, तब फील कर सकते हैं। मैं सुना रहा हूँ आपको, शायद सुना ही दे आपको, इतना जोर से चल रहा है। देखिए इतना जोर से पत्ता भी हिल रहा है, तो काफी जोर से ब्रीज चल रहा है, हवा चल रहा है, तो इसलिए हम ड्रोन भी उड़ा नहीं पाए इधर पे। अगर व्यू पॉइंट तो काफी बढ़िया है, ऊपर से पूरा सिक्किम का पूरा नजारा दिख मिल जाएगा। वेदर भी, मौसम भी काफी अच्छा है। देखिए इधर से काफी नीचे गया है ये जो सीढ़ियाँ, तो काफी स्टीफ है इधर पर ढाल जो है। अब इधर से जितना नीचे जाएंगे सोच के जाना पड़ेगा क्योंकि उतना ही ऊपर में आना पड़ेगा। इस जगह का खासियत एक है कि आप जितना भी नीचे जाओगे एक एक जगह में आपका एक एक टाइप का व्यू रिवील होता जाएगा।
काफी नीचे तक आ गए। देखिए आगे ऊपर में दिखाता है आपको, जहाँ से हम आए थे वो दिख नहीं रहा है क्योंकि उसमें एक स्लैंटिंग है, इस जगह पे एक स्लैंट टर्न है, तो इसलिए वो जगह हमको दिख नहीं रहा है। मगर काफ़ी नीचे ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं, तो अभी तो आगे जाके सोचना पड़ेगा कि कितना नीचे जाएंगे। मेरे ख्याल से और नहीं, नीचे नहीं जाना ही ठीक रहेगा क्योंकि हमको और कहीं भी जाना, जगह पे जाना है, क्योंकि आज हम सबको तारेवीर के बाद जाना है चार धाम, बुद्ध पार्क, सांद्रूपसी और टेमिटी गार्डन, इसलिए इधर तक आने के बाद स्टॉप करना पड़ा। हाँ, पर एक बात तो कहना ही पड़ेगा, ये हसीन वादियों में आकर और इधर का ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू देखकर आपका दिल 100% खुश हो जाएगा, जैसे हम सबका भी हो गया। तो क्यों ना थोड़ा सा फोटोशूट हो जाए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि तारेवीर का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तारेवीर का ये छोटा सा मेमोरी साथ में लेके अभी हम जा रहे हैं साउथ सिक्किम के बाकी फेमस स्पॉट पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, इसका इन्फॉर्मेशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टिंगलू टोंगलू की तरफ से आप सबको गुड बाय।